वो भी बॉर्डर पे आईटीओ वाले थे और आईटीओ वाले गाड़ी अगर पकड़ रहे थे तो कैसे कैसे करके वहाँ भगवान का शुक्र है कि गाड़ी वो मलुक का आराम से निकल गया। वहाँ भैया मिले हैं और भाई साहब का देखो पीछे ट्रक है वो देखो टिवाना रोड लाइन लुधियाना, लुधियाना के भाई है, हम बड़बिल से आ रहे हैं। हाँ स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू व्लॉग में। भाई आज का व्लॉग झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये भाई मैथन बॉर्डर और हम लोग अपना गाड़ी उड़ीसा से लोडिंग करके लेके आ चुके हैं बॉर्डर पे। यहाँ पे रुके थे, तेल वगैरह भरवाना था, फ्रेश होना था, टी शर्ट चेंज करना था और भी बहुत सारा काम था जो कि फाइनल अपना हो चुका है। इधर अपनी गाड़ी और उधर भाई साहब का गाड़ी है। तो भाई रास्ते में हल्का हल्का सा बारिश हो रहा था, इसी वजह से अपना गाड़ी देख रहे हो कितना गंदा हो रखा है। देखो पूरा काशी एक्सप्रेस भाई बहुत गंदा हो गया है। अभी जाके वाराणसी मस्त पहले धुलवाएंगे यार, गंदा हो गया बहुत ज्यादा। जिन्होंने इसके पहले वाला व्लॉग देख लिया है दिल्ली वाला वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी अपना जो सफर बचा है भाई वो बचा है 1100 किलोमीटर का। तो भाई दिल्ली जाना है, दिल्ली में कहां गाड़ी खाली होगा वो आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल ही जाएगा, क्योंकि यहां से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट भाई दिल्ली तक चलता रहेगा भाई। हाँ ये बताइए आप भी दिल्ली जाएंगे कि बनारस उधर जाएंगे? अरे भाई दिल्ली जाएंगे, हम भी दिल्ली से घूम के आएंगे। हाँ तुम्हारा गाड़ी जहाँ तक जाएगा वहाँ तक मैं जाऊँ, फिर वहाँ से आएंगे हमारे साथ में, वहाँ से रिटर्न आएंगे। तो मतलब बहुत मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। अरे बाबा क्या बात है। तो चलो भाई सफर कंटिन्यू करते हैं और भगवान का नाम हो जाए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बाबा। तो चलिए निकला जाए, इस ब्लॉग को ऐसे कंटिन्यू करते हैं। अगर चैनल बनाया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, सब्सक्राइब करने से बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। तो हम मैथन बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट बगल में बॉर्डर है, अभी झारखंड में एंट्री कर जाएंगे। तो ये पूरा बॉर्डर के भाई जाके झारखंड में एंट्री करने वाले हैं। तो देख सकते हो भाई सुबह का मस्त वाला एकदम व्यू हो रखा है, एकदम खूबसूरत नजारा है, ना धूप है, हल्का हल्का सा छांव है, मजा आ रहा है भाई। फिलहाल भाई दुमरी टोल प्लाजा पहुंचने वाले हैं। दुमरी टोल प्लाजा पहुंचने के बाद वहां पे गाड़ी रोकेंगे, चाय पानी करेंगे, कुछ खाना होगा तो खाएंगे, उसके बाद फिर सफर कंटिन्यू करेंगे। भयंकर वाला लग चुका है भूख। सुबह हम लोगों ने थोड़ा सा लाई और सब्जी खाया था। पहुंच चुके हैं भाई दुमरी टोल प्लाजा। एक्चुअली भाई दोपहर का भी एक बज रहे हैं और अभी हम लोग पता है यहाँ से बरही टोल यहाँ से लमसम 80 किलोमीटर है, तो एक से डेढ़ घंटा लगेगा। हम सोच रहे वहीं पहुंच के खाना वगैरह खाएंगे। तो यहाँ पे रुके चाय पीने के लिए, बगल में चाय का दुकान है। टोल प्लाजा हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, तो चलिए चाय पीते हैं। अभी दो गाड़ी पीछे है अभी, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, फिर तीनों गाड़ी वहाँ पहुँच के तीनों गाड़ी एक साथ खाना खा। पता है मुंह के अंदर पूरा लाल लाल हो गया है, क्योंकि भाई सुबह से दो मीठा पान मैंने खा लिया है। नींद आ रहा था तो जो बगल वाला गाड़ी था वो मीठा पान बार बार खा रहा था, बोले भाई हमें भी खिलाओ, दो मीठा पान खा लिया भाई, पूरा मुँह देखो लाल लाल हो गया अंदर से। यार भाई साहब बना रहे चाय, देख सकते हैं जेल के अंदर में अभी हम लोग जाने वाले हैं, जेल के अंदर चाय बन रहा है, आज हम लोग जेल के अंदर वाला चाय पियेंगे। ये देखो भाई, अच्छा इधर ही समा दीजिएगा ना। फिलहाल भाई चाय गरम पीने के बाद फिर से सफर कंटिन्यू कर लिया हम लोगों ने। अभी थोड़ा सा राहत है, मतलब इतना जो नींद लग रहा था ना अभी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। तो चलिए फटाफट आगे निकल रहे हैं अभी हम लोग। बहुत देखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद भैया। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? हमें से सरिया बगोदर से। सरिया बगोदर से? अच्छा ऐसे गाड़ी थी इसलिए आपको पहचान गए। चलिए बहुत उधर से आ रहे थे, किधर से कश्मीर जाने वाले थे। अच्छा अच्छा, तो वही देखे तो गाड़ी देखा आपको पहचान गए। तो हाँ कश्मीर का कैंसिल हो गया, अभी जाएंगे, मतलब उसमें अभी कमेंट वमेंट आ रहा है, जैसे ही आएगा तो देखते हैं। तो भैया का गाड़ी है, भैया से मुलाकात हो गया। तो कश्मीर वाला अगर व्लॉग नहीं देखा होगा तो जाके आप लोग कमेंट करिए उस पर, 1000 कमेंट 10000 लाइक का मैंने टारगेट दिया था। ठीक है आपके साथ बैठे तो उस दिन हम देखें आपका, कल ना बाबा अभी बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड से जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको धन्यवाद बहुत बहुत, और आपको भी खास करके। तो देख सकते हैं भाई मिले, बात हुआ भाई से।
भाई बरही पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। भयंकर भूख लगा है भाई, इतना भूख लगा है ना कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। तो चलिए, बाबा जी तो एकदम सुस्त हो गए यार, भूख तो लगा है भाई, और जब भूख इंसान को लगता है तो भाई सुस्त अपने आप शरीर हो जाता है। पहले खाना खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, उसके बाद फिर आराम से निकलेंगे। पहुंच चुके होटल पे, खाना वगैरह खाएंगे यहाँ पे भाई। खाना अपना लग चुका है, गरम गरम दाल, गरम गरम चावल और सब्जी वगैरह भी है, सलाद भी है, पापड़ भी है। तो चलिए खाते हैं। तो भाई सुनने में आया कि बरही में कल भयंकर यहाँ पे बारिश हुआ था, पूरा रोड वगैरह खराब हो गया था, इसी वजह से ये वाला रोड ना पूरा इधर बनाया जा रहा था पीछे। तो देख सकते हैं भयंकर यहाँ पे लग चुका है जाम। चौपारण घाटी, चौपारण घाटी से भी नीचे उतर रहे, हल्का हल्का सा बारिश भी होना चालू हो चुका है। भैया मिले हैं और भाई साहब का देखो पीछे ट्रक है, वो देखो तिवाना रोड लाइंस लुधियाना, लुधियाना के भाई हैं, हम बड़बिल से आ रहे हैं। हाँ भाई, देख के पहचान गए हमें। तो अभी एक्चुअली घाटी से नीचे उतर रहे थे, तो हम पहले देखे जगह कहाँ पे है। हाँ, चौपारण घाट। आप पहले वीडियो में बताओ कि जो भी इस घाटी से आए बहुत आराम से उतरना है, चढ़ना है, बोलिए। तो बहुत तसल्ली से चढ़ते उतरते हैं। लेकिन अभी पिकअप में आए आपकी गाड़ी के चलते, नहीं आराम से चलते। कभी कभी क्या होता है ना कि पिकअप में गाड़ी उतरता है और चक्का से धुआं फेंकता है। हम अभी जा रहे थे परसों, तो हम देखे एक गाड़ी का धुआं फेंक रहा था, तो उसको रोकना पड़ गया। कोई कोई गाड़ी वाला समझ नहीं पाता है कितना तेजी उतरना है, दिक्कत होता है। और ये एक्चुअली ढालान आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब जब उतारोगे तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। बहुत खतरनाक घाटी है, आराम से गियर में गाड़ी लेके आए, न्यूट्रल करके ना उतारे। तो आपका क्या नाम भैया? वेदपाल। वेदपाल भैया है, तो आपके पक्के। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा। और भैया बता रहे कि 2 साल से वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, निकलते हैं मेरे भाई। चलिए नमस्कार भाई। जस्ट अभी धोबी बॉर्डर क्रॉस किया है भाई, धोबी बॉर्डर पे ITO वाले थे और ITO वाले गाड़ी वगैरह पकड़ रहे थे, तो कैसे कैसे करके आए। भगवान का शुक्र है कि गाड़ी हम लोग का आराम से निकल गया वहाँ से, टेंशन नहीं है। तो फिलहाल अभी बनारस की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम औरंगाबाद पहुँचने वाले हैं भाई। कल शाम को 4 बजे से लेके अभी शाम का 6 बज चुका है, अभी तक सोए नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अंदर से भाई बुखार हो गया हुआ यार, इतना खतरनाक सीन आपके भाई के साथ चल रहा है इस समय। रात का 8 बज चुके हैं और अभी कॉल आया व्यापारी साहब का, बोला कि जो दिल्ली जाना था दिल्ली को बड़ा गाड़ी भेज दिया है और हमारा गाड़ी दिल्ली कैंसिल कर दिया भाई। एकदम 40,000 रुपये का लॉस हो गया यार, पता है 50,000 रुपये भाड़ा लगा था, इतना अच्छा खासा भाड़ा लगा था, खाली करके उधर से कुछ ना कुछ लोड करके आ गए तो कम से कम 40,000 से 45,000 रुपये का इस ट्रिप में मेरा गाड़ी बचत छोड़ता है। इतना अच्छा खासा खुश थे यार, बताओ इतना अच्छा खुश थे हम जाते दिल्ली। बाबा जी भी रेडी थे कि दोनों आदमी चलो दिल्ली चलेंगे, और पहली बार हम दिल्ली भी जाने वाले थे। बुकिंग इसके पहले का ही और मिला, कैंसिल हो गया। आज भी मिला तो आज भी भाई कैंसिल हो गया, तो टोटल 45,000 रुपये का नुकसान हो गया भाई अपना। अगर जाते तो अच्छा खासा पैसा बचता। व्यापारी का ये कह रहा है बाबू इसमें भाड़ा नहीं घुसा रहे, पहले तो बोला कि चलो 50,000 देंगे जाओ लेके, ठीक है। उसका तभी बोलता है कि बड़ी गाड़ी चला जा रहा है उससे कम रेट में। अब क्या समस्या भाई वही जानेगा, हम तो पूरा चीज़ बता नहीं पाएंगे ना क्या है क्या नहीं है। भाई उनको कहना है कि भाई छोटी गाड़ी नहीं जाएगा, बड़ी गाड़ी जाएगा। टोटल 4 गाड़ी लोड हुआ है बनारस के लिए और एक गाड़ी दिल्ली की नहीं, जो कि मेरा गाड़ी दिल्ली जाने वाला था, लेकिन दिल्ली वाला कैंसिल हो गया। और बड़ी गाड़ी दिल्ली जाएगा और छोटी गाड़ी सब बनारस में खाली होगा। तो हम फिलहाल जा रहे हैं बनारस, अभी तो फिलहाल नो एंट्री होगा, देखते हैं, क्योंकि इधर से मुगल सराय वाला जो रोड है उस पर नो एंट्री लग जा रहा है, और दिन में हम ये नहीं चाहते कि सिटी से घुसे। तो फिलहाल अभी मोहनिया पहुँचने वाले, सासाराम क्रॉस कर गए हैं भाई, पहुँच चुके हैं मुगल सराय जंक्शन, हाईवे से नीचे उतर चुके हैं और भयंकर नींद आ रहा है। मतलब आज ना एकदम वीडियो भी बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए फटाफट अब लोडिंग, जहाँ पे खाली करना है गाड़ी को वहाँ पहुँचते हैं। ख्वाहिश था दिल्ली जाने का, लेकिन भाई वाराणसी में ही गाड़ी खाली करना पड़ गया। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, गाड़ी भी खाली होना चालू हो चुका है। देख सकते हैं पूरा रास्ता तिरपाल मैंने यहाँ पे खोल दिया अच्छे तरीके से, और ये देखो बड़ा। तो चलिए फटाफट माल खाली करवाते फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो फाइनली भाई गाड़ी वगैरह खाली करने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे, और बाबा जी को भी छोड़ दिया। गुड नाइट। गुड नाइट आपको। और ये बताइए कैसा लगा? आए
एंजॉय लगा, मतलब मस्त लगा, बहुत 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 मस्त मस्त, मस्त लगा। तो चलिए अभी घर निकलते, सुबह मिलते हैं, ठीक है? चलिए महादेव, चलिए गेट बंद कर दीजिए। तो फिलहाल बाबा जी जा रहे हैं अपने घर और हम जा रहे हैं अपने घर, ठीक है? सुबह मिलेंगे बाबा जी, ठीक है? चलिए ठीक है, ठीक है। तो फाइनल भी हो चुका है सुबह, और रात को गाड़ी करा कालीगंगा घर पे आ गए थे। तो फिलहाल भाई रेस्ट वगैरह कर लिया, अभी दोपहर का टाइम है, अभी हमें निकलना है। अभी गाड़ी का बहुत सारा काम आ गया है, गाड़ी का जो भी काम रहेगा आज फाइनल करवा लेंगे। पहले गाड़ी वॉशिंग करवाना है, जो भी सब कुछ रहेगा आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल भाई अच्छा खासा आपके भाई का नुकसान हो चुका है, दिल्ली का सफ़र था, दिल्ली जाने वाले थे, रास्ते में कैंसिल हो गया, बहुत अफसोस हुआ। एक्चुअली आपको पता ही है कि भाई दिल्ली का सफ़र बहुत दिनों से मिल रहा है और कैंसिल हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और बुकिंग भी अच्छा खासा, मतलब 50,000 भाड़ा भी लगा था। तो अगर हम जाते ना, जाके अगर खाली भी आते ना, तो भी भाई 30-40,000 रुपये तो आराम से गाड़ी छोड़ देता, क्योंकि इधर से भी हम 18,000 रुपये में गए हुए थे, उधर से 50,000 भाड़ा, मतलब बहुत मस्त एकदम बेस्ट भाड़ा था जिसको कह सकते हैं। और हमारा ये देखिए क्या कर रहे हो जी, जाओ कर जाओ अंदर, चलो बेटा बारिश हो रहा है, इधर देखो अंदर चलो, जाओ बारिश हो रहा है। तो ये हमारा बच्चा है, अभी बारिश में इसको हल्का हल्का मज़ा आ रहा है, तो इसलिए बाहर चला आया। क्या उधर देख रहे, चलो अंदर चलो। तो चलो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं अलग वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, प्यार और सपोर्ट बना रहेगी, क्योंकि आपको मेहनत करके आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।